तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सुशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई है उसके अनुसार मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अफजाल अंसारी पर अभी जो फैसला है वो भी आ रहा है। इसके हमारे अभी लगातार जल्दी उस पर भी जो कोर्ट का रुख है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी तक जो बात सामने आई है उसका अनुसार मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा की बात सामने आ रही है। अफजल पर कब तक फैसला आ जाएगा? अफजाल अंसारी पर कुछ देर में जो फैसला है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। कोर्ट रूम में ही अभी जज बैठे हुए हैं और जल्द ही मुख्तार अंसारी की सजा के ऐलान के बाद अफजाल अंसारी पर भी जो फैसला है वो साफ हो पाएगा। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है मुख्तार अंसारी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तो बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। तो गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला सामने आया। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस दौरान आपको बता रहे, 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी एक कद्दावर नेता, एक गैंगस्टर, एक बाहुबली।